बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कनेक्ट की एजेंट आईडी किस तरह बनवा सकते हैं, इससे रकम अर्न किस तरह कर सकते हैं, इसका क्यूआर कोड किस तरह जनरेट कर सकते हैं, सारा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग अगर मुझसे पूछते हैं जब से ये ऑफ़र चली है कि हम इसका क्यूआर कोड किस तरह बनवा सकते हैं, क्यूआर कोड नहीं बनता, इसकी एक आईडी होती है एजेंट आईडी, वो ही बनेगी। वो किस तरह बना सकेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, तब भी आपकी ये अकाउंट की आईडी बनेगी। सारी तफसीलात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप इसकी कनेक्ट की एजेंट आईडी किस तरह बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, आपकी अपनी शॉप होनी चाहिए तब भी ये कनेक्ट की एजेंट आईडी बनेगी। कोई भी शॉप हो चल जाएगी, लेकिन फेक तरीके से बनवाएंगे जब वो विज़िट पे आएंगे बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी शॉप है, बहुत से लोग अगर पूछते हैं कि मेरी शॉप भी है, शॉप है तो बैंक जाएं, वहाँ सब कुछ बताएं कि मैं इसकी कनेक्ट की एजेंट आईडी बनवाना चाहता हूँ। वो आपकी शॉप पे विज़िट करेंगे, तमाम तर तफसीलात आपसे पूछेंगे, आपकी शॉप का नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखेंगे। अगर आपकी शॉप उस में आई तो आपको एजेंट आईडी प्रोवाइड कर देंगे, साथ में आपको एक मशीन भी दी जाएगी जिसको हम अपनी ज़बान में बायोमेट्रिक मशीन सिंपल के नाम पे कह सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आप इससे रकम किस तरह अर्न कर सकते हैं। रकम अर्न करने के बहुत से ये इसके सोर्स हैं। अगर आप बिल पे करेंगे इससे आपको कमीशन मिलेगा, विड्रा करेंगे इसका भी आपको कमीशन मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बैलेंस है, मेरा बैलेंस शो हो रहा है और ये मेरा कमीशन शो हो रहा है। ठीक हो गया, इसमें बहुत से ऑप्शन है। अगर आपका क्यूआर कोड कोई स्कैन करता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। आपने ट्रांजैक्शन फीड पे क्लिक कर देना। ट्रांजैक्शन फीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर डेट लिख देनी है, किस डेट से आप चेक करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आज 13 है तो 13 ही रखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही, तो यहाँ पर आपने आल पर क्लिक कर देना, जो आपकी आईडी का नाम होगा आपने वो सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो मेरी आईडी, ये देखें, ये टोटल जो स्कैन की गई है मेरी ये आईडी वो हैं, ये मुझे 24 घंटे बाद इसकी रकम होगी वो मेरे अकाउंट में अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अब आपको मैं एक सोर्स बताता हूँ अर्निंग का। देखें, एक ऑफ़र आई हुई है कि 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा, 300 स्पेंड करने हैं। 300 लोग लोड करते नहीं हैं, लोग लोड तो करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोड में नुकसान है उन्हें, बिल पे कर देते हैं, बिल पे हर एक के पास नहीं होता। ये मेरा क्यूआर कोड है, ठीक है, मैं डेली की 30 ट्रांजैक्शन लेता हूँ। 30 ट्रांजैक्शन को आप ज़रब दें, 20 से 600 बनता है, 100 या 150 या 200 इसका टैक्स चला जाता है, उसके बाद मुझे 500 फिर भी बच जाता है। अगर यही ऑफ़र 2 से 3 मंथ चलती रहे, 2 से 3 मंथ भी ना चले, 1 मंथ चले, मुझे कितना बचेगा, सीधा सीधा 15,000 मेरी अर्निंग होगी। बिल पे इसके अलावे हैं, आप इस तरह से इसकी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इसका क्यूआर कोड किस तरह जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड पे आपने क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देने, या क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देने। जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने माई क्यूआर कोड। यहाँ पर ये हो गया, नीचे एक और सेलेक्ट बटन शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी शॉप का नाम या फिर जो क्यूआर कोड आईडी आपके नाम आपने वो सेलेक्ट कर दिया। सबमिट पे जो ही क्लिक करेंगे आपका क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप गेट डायनामिक क्यूआर कोड पे क्यूआर पे क्लिक करेंगे, आप जितनी रकम इनपुट करेंगे अगला बंदा उतनी ही रकम यहाँ आपके अकाउंट में सेंड कर सकेगा। उससे कम सेंड नहीं होगी, ना ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा शायद हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका बताया, क्यूआर कोड जनरेट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। आप इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है, एजेंट ट्रांजेक्शन आप अगर चेक करना चाहते हैं वो भी है ऑप्शन है। यहाँ है कि आपके अकाउंट में कितनी रकम डेबिट हुई है, क्रेडिट हुई है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका चेंज पिन भी कर सकते हैं, रीसेट भी पिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कमीशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट इनपुट करनी है तो आपका कमीशन शो हो जाएगा। इसका जो पिछले आपकी जो फरवरी की अर्निंग होगी वो जो कमीशन बनेगा आपका मार्च में शो होगा। तो इस तरह से इनका होता है। मैंने आपको इसका इंटरफेस दिखा दिया, ये इसका इंटरफेस है। इसका अकाउंट किस तरह बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इससे आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और अपना क्यूआर कोड जनरेट किस तरह कर सकते हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। मैं आपको एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इसका क्यूआर कोड फेक तरीके से बिल्कुल नहीं बनवाना, क्योंकि वो बाद में विज़िट करते हैं। ये मंथ में एक मरतबा विज़िट ज़रूर करते हैं। अगर आप नहीं होंगे, आपकी शॉप आपने जो एड्रेस लिखवाया होगा वो गलत साबित होगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो भी विड्रा नहीं होंगे।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें. इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.